अगर आप भी खरीद रहे हैं पुरानी गाड़ी तो इन बातों का रखें ख्याल, ये बातें देखकर ही उन गाड़ी को खरीदें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उसी पर रहने वाला है कि गाड़ी को खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल शुभम राज ब्लॉग्स पर। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा नया इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आप कोई भी आईशेयर, इकोमेट इत्यादि गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, तो उस गाड़ी को चेक कैसे करें। दोस्तों चूंकि सेकंड हैंड गाड़ी होती है तो कोई भी हमें किसी भी कंडीशन में उसे टिका सकता है दोस्तों, तो उसी पर आज का ये वीडियो होने वाला है। आज की चर्चा हम उसी पर करने वाले दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और बात करते हैं कि गाड़ी को क्या क्या देखें, गाड़ी में क्या क्या देखें और क्या क्या चेक करें। दोस्तों सबसे पहले गाड़ी के इंजन की स्थिति को चेक करना। जी हाँ, गाड़ी का इंजन सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, ये सुनिश्चित करना कि उसमें कोई काम तो नहीं है। इंजन की स्थिति एक मैकेनिक से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं जान सकता, तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल मैकेनिक अपने साथ लेकर जाएं और उससे गाड़ी को चेक करवाएं। दोस्तों एक ट्रेंड प्रोफेशनल मैकेनिक होता है, उसे पता होता है कि गाड़ी में काम है या नहीं है, गाड़ी की परिस्थिति क्या होती है, तो ये उससे बढ़िया हमें कोई नहीं बताया दोस्तों। दूसरी बात, अगर मैकेनिक नहीं है हमारे पास या फिर ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर मैकेनिक आ नहीं सकता, तो आप इस गाड़ी को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा गाड़ी के इंजन ऑयल की कंडीशन को जांचना, इंजन ऑयल की कंडीशन को देखना। अगर आप उस ऑयल से जली जली सी खुशबू महसूस कर रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं इंजन में किसी काम या खराबी की ओर इंगित करता है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों। नंबर दो पर बात करूँगा, गाड़ी को स्टार्ट करने के दौरान या स्टार्ट करने के तुरंत बाद वह काला धुआं छोड़ रही हो तो उससे डरने की बात नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये गाड़ी की एक नेचुरल प्रकृति होती है, चूँकि गाड़ी खड़ी हुई रहती है तो उसका जो ऑयल होता है कहीं ना कहीं जम जाता है, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है उस दौरान उस ऑयल के जलने के कारण वो गाड़ी दोस्तों काला धुआं छोड़ती है दोस्तों। तीसरी बात, गाड़ी को स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी को अगर देखने जाए तो सबसे पहले उसे स्टार्ट कर दें, थोड़ी देर उसे चालू रहने दें, उसके बाद आप उस गाड़ी के रेडिएटर को खोलिए। जी हाँ दोस्तों, उसे चालू ही कंडीशन में उसके रेडिएटर को खोलिए। अगर उस रेडिएटर का पानी उबाले मार रहा हो या उबलने सा लगा हो दोस्तों, और तो कहीं ना कहीं ये हमें ये बताएगा कि वो गाड़ी गर्म हो रही है, उस गाड़ी में कहीं ना कहीं काम है और इसी गाड़ी की कंडीशन बहुत बेकार हो सकती है, जो आपको आगे भारी पड़ सकता है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम चौथी बात, गाड़ी का साउंड। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी के इंजन का साउंड भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उस पर भी कई सारी बातें टिकी हुई होती है। क्योंकि गाड़ी कड़क होगी तो साउंड भी एकदम कड़क आएगा, जो ये दर्शाएगा कि गाड़ी का इंजन दमदार है, अभी उसमें जान बाकी है। अगर गाड़ी का साउंड उसके रेगुलर साउंड से हटकर या गाड़ी का साउंड कुछ अलग ही जा रहा है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, गाड़ी का साउंड भचर भचर सा हो रहा हो तो समझ लीजिए गाड़ी कड़क नहीं है, 50% वह ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। उसे लेने से, उसे खरीदने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ी कोई भी इंसान, अगर दोस्तों ये कॉमन सी बात है, मैं हूँ, आप हों या कोई भी हो, वो गाड़ी खरीद रहा है, वो किस लिए खरीद रहा है, ताकि वो उससे पैसा कमा सके, ना कि उसमें पैसा लगाए। तो दोस्तों ये बातों का रखे ध्यान। आगे बात करेंगे, बताई गई बातों से मैं समझता हूँ आप संतुष्ट होंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आप बोलेंगे, सर गाड़ी के इंजन से ही सब कुछ होगा क्या, गाड़ी का इंजन ही सब कुछ करेगा क्या, तो गाड़ी के टायर उसकी कंडीशन भी तो देखना पड़ेगी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल देखना पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, गाड़ी की कंडीशन देखना पड़ेगी, उसके टायर की कंडीशन देखना पड़ेगी, बैटरी की कंडीशन देखना पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई टूट फूट तो नहीं है, उसकी कंडीशन भी देखना पड़ेगी। पर दोस्तों अगर मुख्य अंग ही ख़त्म होगा किसी चीज़ का, अगर गाड़ी का मुख्य अंग ही ख़त्म है दोस्तों, तो उसकी दूसरी चीज़ें कोई भी मायने नहीं रखती है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, जहाँ तक टायर की बात है, टायर बदले जा सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूँ, जहाँ तक टायर की बात है,
टायर बदले जा सकते हैं। पुरानी गाड़ी लेते वक्त टायर की कीमत के आधार पर गाड़ी की कंडीशन डिसाइड की जा सकती है, तो उस टूट फूट की मरम्मत कराई जा सकती है दोस्तों। मान लिया जाए उसकी बैटरी में वो दम नहीं है, धक्का लगाने पर गाड़ी हमें स्टार्ट करना पड़ रही है, यानी कि उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो हम बैटरी को भी बदल सकते हैं दोस्तों। पर अगर मान लिया जाए इंजन गर्म हो चुका है, इंजन में किसी प्रकार का काम है या इंजन ख़त्म हो चुका है, तो ना ही हम उसको नया बदल सकते हैं दोस्तों। अगर पुरानी गाड़ी ली और उसमें नया इंजन डालेंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा दोस्तों, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा ना करें, गाड़ी के इंजन की पहले जांच करें, साथ ही साथ उस इंजन को काम करवाने के बाद, खुल जाने के बाद दोस्तों, अगर मान लिया जाए उस इंजन में काम है, वो गाड़ी का इंजन किसी प्रकार के काम की ओर इंगित कर रहा है, वो गर्म हो चुका है या खुल चुका है दोस्तों, तो उस इंजन से हमें वैसा दम नहीं मिलने वाला है जैसा दम हमें एक नई गाड़ी के इंजन से मिलता है, और ऐसी गाड़ी खरीदने से भी कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, पुनः आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बातें मैंने आपको एक जनरल नॉलेज के तौर पर बताई है, दर्शक अपने विवेक से काम लें। अगर पुरानी गाड़ी देखने जा रहे हैं तो हर चीज़ का चेक करें, अपने संयम से काम लें दोस्तों। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और भी कोई समस्या होगी इस वीडियो से संबंधित या कोई और प्रश्न होगा तो उसे हल करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।